एसटीएफ हरियाणा की सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरकारी वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 3 कर्मचारी गिरफ्तार। हरियाणा के दादरी और बेरी एसडीएम कार्यालय में वाहनों की फर्जी आरसी बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दादरी के एसडीएम कार्यालय में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेरी के एसडीएम कार्यालय से भी आरसी क्लर्क व कंप्यूटर ऑपरेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सोनीपत एसटीएफ पुलिस अब 3 आरोपियों को अदालत में पेश करेगी। 10 वाहन बरामद किए गए हैं जिनकी फर्जी आरसी भी बनाई जा चुकी है। प्रथम जांच में खुलासा हुआ है कि 24 आरसी फर्जी तरीके से बनाई गई हैं। एसटीएफ के डीएसपी रविंदर कुंडू ने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। मौके पर मौजूद रहे एसटीएफ इंस्पेक्टर सतीश देशवाल गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले जाने के बाद अन्य कई खुलासे होने की संभावना है। 50,000 रुपये लेता है और उस 50,000 में सबसे पहले वहीं से वो डाटा फीड कर देता है फर्जी डॉक्यूमेंट्स का। वैसे सिस्टम क्या बना रखा है, अब सरकार का रूल है कि जो कंपनी गाड़ी बेचेगी वही कंपनी उसमें डायरेक्ट ऑनलाइन अथॉरिटी में डॉक्यूमेंट्स भेजेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई, वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ना जाके उन्होंने मैनुअली पासवर्ड आरटीए साहब का भी यूज करके और अपना भी पासवर्ड करके बैकलॉग के द्वारा वो मैनुअली फीड कर दी वहाँ पे। और वो सारे के सारे एक बार वो बैकलॉग के द्वारा फीड होगी तो वही जो सिस्टम था वही आगे आगे चलता गया। इसमें जो आईडी लगी थी वो भी फ्रॉड थी। अब जो इतनी बड़ी बड़ी 35-35 लाख की गाड़ियाँ हैं, इनके 2-2 लाख रुपए के 1-1 लाख रुपए के इंश्योरेंस कटते हैं, तो 1 लाख रुपए इंश्योरेंस के ना देने पड़े, उसलिए उन्होंने इंश्योरेंस लगाए ही नहीं। इंश्योरेंस की जगह क्या लगा दिया, इंश्योरेंस की जगह एक कवर नोट आता है खाली, जिसमें एक एजेंट ये समझाता है कि भाई आपका है ना ये गाड़ी है, इतना एस्टीमेट होता है, वो कोई इंश्योरेंस नहीं होता। 1 लाख रुपए बचाने के लिए कागज की फॉर्मेलिटी करवाने के लिए वो लगा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कि जो ये हमारी 10 की 10 गाड़ियाँ आरटीए दादरी से बनी हुई हैं, इनका एक रजिस्टर फॉर्म होता है, फार्म नंबर 24 लगता है, जिसमें वो असल फाइल को देख के और उसी नंबर के आधार पर वो आरसी इशू की जाती है। लेकिन उस रजिस्टर को कल चेक किया गया तो उसमें ये 10 की 10 फाइल गायब थी। वहाँ ओरिजिनल फाइल जो है आरटीओ ऑफिस में गायब मिली है 10 की 10, उसमें रजिस्टर में एंट्री ही नहीं है इन फाइलों की। हाँ, तो केवल जो पासिंग की जो फॉर्मेलिटी की थी वो उन्होंने फोटोकॉपी की एक फाइल जो रफली बना रखी थी वही हुई लगी है। तो जो अब इससे पहले जो दलाल इसमें पकड़े गए थे उनसे सारी की सारी कंपनीज की नोटरी की और अथॉरिटी की मोरे बरामद हुई हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, प्रिंटर बरामद हुए हैं, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टोटली फुल हैं। वो देखने से ही ये पता चल रहा है कि जैसे 35 लाख रुपये की एक गाड़ी फॉर्चूनर है, उसका एक फ्रॉड कंपनी से जैसे कोटक महिंद्रा से, महिंद्रा एंड फाइनेंस से, उसको बगैर नाम पद कोई एड्रेस दिए कोई ऑफिस दिए एक फर्जी लेटर बना दिया सेल लेटर करके, और उस फर्जी लेटर के अनुसार वो 8.5 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का बना दिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।